नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपना अहम फैसला सुनाते हुए राजेश और नुपुर तलवार को मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में न्यायमूर्ति वी के नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने दोनों को दोषी नहीं माना। दोनों फिलहाल डासना जेल में बंद हैं, जहां से उन्हें कल रिहा कर दिया जाएगा। खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में कई कमियां थी। मामले में तलवार दंपत्ति को संदेह का लाभ मिला। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि माँ बाप राजेश और नुपुर तलवार ने आरुषि को नहीं मारा। मौके पर मौजूद डेली डायरी के रिपोर्टर राजीव रंजन ने वकीलों से बात की। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा वकीलों ने। फैसला बहुत ही अच्छा रहा और जो है अपील यहाँ से आरुषि अलाउ हो गई और अपील अभी एक्टिव हो गए हैं और अब इसके खिलाफ जो है स्टेट एंड सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि अध्यक्ष कोर्ट भी क्या जाना है। तो अभी जो पैनल ने डिसीजन दिया तो उसे सर ये लास्ट डिसीजन दिया लास्ट नहीं, ये जब तक माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन हो जाएगा तब तक ये नहीं लाल कॉपी अभी मानो जी तलवार दंपत को माननीय आई की असफलता तलवार दंपत्ति की सफलता डबल बेंच आपका हाईकोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑन किया जा रहे हैं बट इन्वेस्टिगेशन अपीयर्स क्राइम से अपीयर्स टू बी फेस कन्विक्शन ऑफ द तलवार दंपत्ति।